इस मंच से मैं हेमंत बाबू को आमंत्रण देता हूं कि जब दिल्ली आए तो मेरे घर चाय पीने के लिए आइएगा। अगर समय मिले तो थोड़ा खाना खाने के लिए भी आइएगा। मैं आपको दिल्ली घुमाऊंगा अपनी गाड़ी में। आपने तो 7 साल में कुछ नहीं किया, मैं आपको दिखाऊंगा दिल्ली में हमने कितने शानदार स्कूल बना दिए। The war of words between Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma and his Delhi counterpart Arvind Kejriwal continued following the AAP convener's visit to Guwahati. Kejriwal, while addressing a gathering in Guwahati on April 2, invited the Assam Chief Minister for a tour of New Delhi. This comes after Sarma slammed the Aam Aadmi Party Supremo and threatened to file a lawsuit against him over his remarks against Sarma at the Delhi Assembly, where Kejriwal claimed that Sarma joined BJP under duress as he was guilty of corruption. Meanwhile, reacting to Kejriwal's invitation, the Assam CM said that he will go to Delhi but will only visit the places he wants to and not those where Kejriwal wants to take him. उन्होंने मुझको न्योता दिया है, मैं उनका घर में भी आप बुलाने से मैं जाऊंगा, लेकिन मुझको आप जोगी झोपड़ी में लेके जाइए। हमारा हर गांव का हालत आपका जोगी झोपड़ी से अच्छा है। दिल्ली में मैंने खुद इलेक्शन कैंपेन में गया हूं, दिल्ली का 60% लोग नरक में रहता है, असम तो स्वर्ग है। एक एक छोटा कमरा में 20-20 लोग, 30-30 लोग रहता है। जो दिल्ली हम देखता हूं, असम हाउस, मुंबई, महाराष्ट्र भवन, वो एक्चुअल दिल्ली नहीं है। जो एक्चुअल दिल्ली है जोगी झोपड़ी में है, 70% लोग रहता है, वहां में पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ट्रांसफार्मर भी घर का सामने बड़ा बड़ा होकर लगता है। मैं तो जाके देखा, मैं बोला भाई कोई मर ना जाए सर। सो इसीलिए असम का 50 लोग उनका न्योता का अनुसार जाना चाहेगा दिल्ली, लेकिन आप, हम वो जगह में जाऊंगा जो जगह हम जाना चाहता हूं, आप जो जगह में ले जाएगा वहां हम नहीं जाएगा। He also hit back at Kejriwal for criticizing the Assam Chief Minister over several issues including employment, paper leak and others. Taking pot shots at the Delhi CM, Sarma said that Kejriwal was misleading people while addressing a meeting near the Kamakhya temple. लेकिन आप मां कामाख्या का मंदिर का नीचे मीटिंग करते हो और मीटिंग में हमारा असम का लोगों को आप गुमराह करता है कि आप 7 साल में 12 लाख नौकरी दिया, जबकि आपका दिल्ली गवर्नमेंट का सैंक्शन पोस्ट थी 1.5 लाख, तब कैसे 12 लाख आपने नौकरी दिया? तो हमें असम का लोगों को उनको बुर्बक जैसा लगा, लेकिन हम उनसे स्मार्ट है, तुरंत हम खबर निकाल लिया। फिर क्वेश्चन पेपर लीक का बारे में बोला कि असम में क्वेश्चन पेपर लीक होता है, तो इनको मैं बोलना चाहता हूं कि भाई आपका थोड़ा यार्डाज आप ठीक कीजिए। इस बार पंजाब में, पंजाब ने क्लास पूरा 12 का एग्जाम कैंसिल कर दिया था एग्जाम पेपर लीक होने के लिए, और यह हिंदुस्तान टाइम्स में निकाला है, February 26, 2020, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड कैंसिल क्लास 12 इंग्लिश एग्जाम आफ्टर पेपर लीक। Don't forget to like, share and subscribe to East Mojo. For any queries, put them down in the comments section below and press on the bell icon for notifications.